थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा घरों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से पीली धातु के आभूषण, वन गले का हार, दो जोड़ी झुमकी, एक हाथ का कंगन, एक कान का टाप्स व 1 13 लर वाली लटकन, चांदी की 1 जोड़ी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 7 सिक्के, 1 अंगूठी व 2 जोड़ी बिछुआ, 5 हाथ की घड़ी, 1 लैपटॉप व 3 मोबाइल फोन बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से संवाददाता अनिल अग्रवाल की खास रिपोर्ट। में चोरों पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? दिनांक 25 अप्रैल 2024 को थाना शालीमार गार्डन थाने पर आकर वादी विषभ गुप्ता ने एक तहरीर दी कि उनके घर से ताला तोड़कर अज्ञात लोगों ने चोरी कर ली है। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा तलाश जारी की गई। 27 अप्रैल 2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कि कुछ लोग ऐसी घटनाओं को जिसमें कि घरों में ताला तोड़कर घुसकर सामान चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस आधार पर जैसे ही मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, अशोक सिंह, सूरज सिंह और पारस। ये तीनों मूलतः बाजुरा नेपाल से हैं और यहाँ गणेशपुरी तथा साहिबाबाद के इलाकों में रहते हैं। इनसे पीली धातु के बहुत सारे सामान जैसे कि 1 गले की चेन, टॉप्स, झुमके और लटकन तथा चांदी के गणेश जी की मूर्ति, 7 सिक्के और 1 अंगूठी और 5 हाथ की घड़ी, 1 लैपटॉप तथा 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये अशोक सिंह यहाँ शालीमार गार्डन के अशोक कॉलोनी में चौकीदारी का काम करता था। अक्सर इसने बताया कि पहले भी इसने कुछ घटनाओं को अन्य शहरों में अन्य जगहों पर अंजाम दिया है, जहां पर ये सूचना प्राप्त होती ही कि इस घर में कोई नहीं है, बंद है या फिर ताला लगा हुआ है, अक्सर ऐसे घरों को टारगेट करके अपने दोस्तों की सहायता से ये घरों में घुसकर सामान चोरी करता है एवं उसे बेचकर आपस में पैसे बांट लिया करता था।